धन्यवाद गुरु जी, आपको पता है आपने पहली बार हमें कोई उपहार दिया है, ये खड़ाऊ। धनी मनी तुम जानते हो हमने तुम्हें किसी के पांव से उतरी हुई पुरानी खड़ाऊ क्यों दिलवाई? क्यों? वो इसलिए कि जब भी कोई तुम मूर्खतापूर्ण कार्य करो तो हम इन्हीं खड़ाऊ से तुम्हें पीटे ताकि हमारी खड़ाऊ ना खिसे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। गुरु जी एक तीर से दो क्या आप 100 निशाने लगा सकते हैं, क्योंकि आपके तीर के लक्ष्य को भटकाने वाले पंडित रामकृष्णा को आपने विजयनगर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अपनी बिगड़ी हुई दशा आपने सुधार ली है गुरु जी। शिष्य अपने शत्रु को पराजित कर रहा विजय तो एक बार बनते हो, परंतु उस विजय श्री को याद कर कर के आप प्रसन्न बार बार हो सकते हो। अरे हाँ, याद से हमें याद आया, विजयनगर हमारे लिए फिर से वही पुराने वाला विजयनगर बन गया है। हाँ हाँ गुरुजी, अब एक बार फिर से संपूर्ण विजयनगर पर आप अपने वर्चस्व का पंजा कस सकते हो। गुरुजी दरबार के अंदर पुरस्कार, दरबार के बाहर लूट। डब्बा खोलकर लड्डू गिनकर वापस रख रही हैं। इन्हें बताओ कि डब्बे में बंद करने से लड्डू एक से दो नहीं हो जाएंगे। अम्मा अब कुछ तो खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, दो चार लड्डू ही खा लीजिए। तो भी तो सुबह से ना भोजन को हाथ लगा रही है और ना ही किसी कार्य को, लगता है सारा कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ माँ, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ सोए होंगे, क्या खाया होगा, कहाँ पहुंचे होंगे। अम्मा तो सही कह रही है शारदा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। उनकी नहीं नहीं अपनी, देख लड्डू खत्म हो गए तो कौन लेकर आएगा, मेरे जाप में गलतियां कौन निकालेगा, और मेरी ये लाठी सोनी पड़ी है, अब इसको किस पे बरसाऊंगी। अब सही कह रही है अम्मा, एक अच्छे पति होने के जितने भी लाभदायक गुण थे सब के सब थे उनमें, उनके रहते कभी किसी दास की आवश्यकता नहीं पड़ी। बापू आपको गए एक दिन पूरा नहीं हुआ और मुझे इस पूरे जन्म की सच्चाई पता चल गई है कि विवाहित पुरुष से किसी को प्रेम नहीं होता, एक पति और सेवक में कोई अंतर नहीं होता। गुड्डप्पा क्या हुआ, कि बाहर से कोई आवाज है क्या? अरे शारदा द्वार तो बंद है तो कौन आ पाएगा, इतनी रात्रि को कोई अतिथि तो होगा नहीं, लगता है चोर आया है। अम्मा चल चल के उसकी चटनी बनाते हैं। चलिए रामा के भूलों का दंड अब ये भुगतेगा, तभी जाके हमारा मन हल्का होगा। चलिए अम्मा। हाँ। ये देखो ये देखो, हम बाहर घूम रहे हैं और यहाँ हमारे जीवन के दुख सुख दोनों को तोला जा रहा है। वो तो है गुरुजी, किंतु देख लो दुख का पलड़ा सुख के पलड़े से कितना भारी है। ये तो वास्तव में सौदामिनी देवी और वरुण माला एक साथ है। हे भगवान क्या हो गया, कहीं अनर्थ ना हो जाए, संभालना पड़ेगा। अरे अरे सौदामिनी देवी आप यहाँ क्या कर रही है? हमने आपसे कहा था कि जब तक आप हमें तराजू में नहीं तोलेंगे हम इस तराजू से बाहर नहीं उतरेंगे, आप तो आए नहीं तो हम स्वयं ये तराजू लेकर यहाँ आ गए। वरुण माला आप किस पलड़े में बैठ गई? स्वामी आप उन्हें सोने में तोलने वाले है ना, और एक पति के लिए तो उसकी धर्म पत्नी ही असली सोना होता है, इसीलिए हम एक पलड़े में बैठ गए।
बस 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 अब हम और नहीं झेल सकते। तुम दोनों का भार हम कैसे झेलती इस बेचारे तराजू को का पता। अरे तुम दोनों के भार से ये तराजू टूट जाएगी। आप टूटने की चिंता ना करें, अगर ये टूटी तो दूसरी आ जाएगी। आप केवल सोने के सिक्के का प्रबंध कीजिए। हाँ क्या स्वामी, आप बाहर से सोना लाने वाले हैं? अर्थात हम आपके लिए सोना नहीं है। वरुण माला, वरुण माला, वरुण माला, हमारी सांसों की उलझी हुई माला। सोने का अर्थ है इस तराजू में एक रात सोना, यही विधि है। आप दोनों नहीं जानती ये वरदान युक्त तराजू है। हाँ, इसमें एक रात सोने से जीवन के पापों का भार कम होता है। परंतु हाँ एक शर्त है, दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, अलग अलग बैठना होगा। दोनों एक साथ बैठेंगे तो पाप दुगने हो जाएंगे। दुगने हो? हाँ, उतरो 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 उतरो, गिर जाएंगे। अब हमें उतारिए। वरुण माला, हमें वो जल की अभिलाषा है, जल लेके आए। जी स्वामी, अभी लाते हैं। सावधानी, जब तक वरुण माला जल लेकर आती है तुम भाप बनकर उड़ जाओ। सुनिए, तुम सोने की बात कर रही थी, हम तो तुम्हें हीरो में तोलेंगे, हीरो में। थोड़ा सा धैर्य रखो। अच्छा तो हम चलते हैं। और हाँ, ये तराजू बड़ा ही महंगा है, हमारे घर भिजवा देना। हाँ सोने में तुलना है और तराजू महंगा लगता है, परंतु कोई बात नहीं सौदामिनी देवी, हम अवश्य तुम्हें सोने में तोलेंगे, क्योंकि अब रामा नहीं चारों दिशाओं में केवल हम ही हम हैं। दिखाने का उत्तर प्राप्त हुआ है। मार गुंडप्पा। लामा, गलती सही सही, मैंने अपनी मित्रता निभाई है। देख, अगर मैं अपना तकला तुझे नहीं मालता तो ये लोग तो तुझे पीट पीट के आज माल ही डालते। चुप कर, तू वापस आ गया? क्या भूख लगी थी? नहीं अम्मा, नींद लगी है। मैंने बहुत प्रयास किया किंतु अपने बिस्तर के बिना कहीं नींद नहीं आई। आप चोरों की भांति स्वयं के घर में घुस रहे हो, कभी सोचा है भास्कर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबा, अपने पति और पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा भास्कर पे। आप यहाँ सोने आए हैं, लगता है अभी भी नींद नहीं है। भूल गए क्या कि आपको देश निकाला मिला है? कुछ नहीं भूला, सब याद है मुझे। अम्मा, मैं मानता हूँ कि मैंने भूल अवश्य की है, किंतु मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही रहूंगा अपने ही घर में, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप अपने सुख के लिए हम सबको जोखिम के तीर के निशाने पे लगाओगे? शारदा महोदया, यदि मैं घर के अंदर रहूंगा तो ये बात भी घर के अंदर रहेगी ना कि मैं घर के अंदर हूँ, फिर जोखिम कैसा? समझ में आया? छोड़ो, ये समझो कि दिन में तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना और रात्रि को मैं इस घर के सभी द्वार और खिड़कियां बंद रखूंगा। क्या ये इतना सरल और सीधा है? सरल तो है और सीधा चले भी जैसा। अम्मा देखो, मनुष्य को जीवन में जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि उससे जीवन में रुचि बनी रहती है। वैसे जाने कितने माह के पश्चात मुझे इतना लंबा अवकाश मिला है, मैं तो आराम से केवल आराम ही करूँगा। हाँ हाँ हाँ, पकड़े गए तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। महाराज ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि 3 माह तक
अगर विजयनगर में दिखा तो तुझे आजीवन ही अज्ञातवास कर देंगे। मैं तो कहती हूँ कि तू वापस लौट जा, 3 नहीं 6 माह बाद आना। हाँ माँ। थोड़ी तो दया करो अपने पुत्र पर। देखो क्या है कि जैसे सावधानी हमें किसी भी दुर्घटना से बचा सकती है, वैसे ही तुम दोनों की चुप्पी मेरे इस घर में रहने वाली बात को बाहर फैलने से रोक सकती है। तुम दोनों चुप रहोगी ना? चुप रहोगी ना? हाँ तो ठीक है। अरे बापू, आप ही किन दो महिलाओं पर विश्वास कर रहे हो? इन्हें यदि 2 दिन इधर उधर की चुगली ना सुनने को मिले तो दीवारों से बातें करने लगती हैं। अब आरंभ होता है मेरा लंबा अवकाश। अरे इतना लंबा अवकाश तो महाराज को भी उपलब्ध नहीं हुआ होगा। अब नए शांति की शैया पर केवल 2 कार्य करूँगा, पेट भर के भोजन करूँगा और फिर सो जाऊंगा। सो कर उठूंगा तो फिर से भोजन करूंगा और फिर सो जाऊंगा। इसी बात पे मुझे फिर से भूख लगने लगी और नींद भी आ रही है। हे माँ, इस आनंद को देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब दरबार का दायित्व, गुरुवर का षड्यंत्र, महाराज का मुझे निष्कासित करना, सब मुझसे दूर है। बस इतना करना कि कोई विघ्न ना आ जाए। तो मैं बस खाऊंगा और सोऊंगा, बस खाऊंगा और सोऊंगा, बस ना भागा है जिसे इतनी रात्रि को किसी का द्वार खटखटाने की आवश्यकता पड़ गई। जीजा जी, जीजा जी, मैं आ गया। हमारा भाई गोविंद आ गया। दीदी अली शारदा, वो अपना सामान उठाए तो करे। गोविंद तुझे देखकर भली खुशी हुई। शारदा, अपने भाई से पूछ, 3 माह तक बाहर टहल सकते हैं क्या? नहीं तो भीतर ले ले। हाँ। बापू, आपको अवकाश चाहिए था और अब हिचकियां खा रहे हो। शारदा के माता पिता के कई वर्षों की भूल को भी अभी आना था क्या? स्वयं को छुपाऊं या इसे संभालूं? दीदी, मेरा भांजा कहाँ है? भीतर है। चला जा, जा। प्रतिदिन मेरे स्वप्न में आता था ये मेरा भांजा, किंतु अब से नहीं आएगा। अभी मेरे सामने जो आ गया है। मेरे भांजे, देखो कौन आया है। आपके गोविंद मामा है। अब गोविंद मामा के साथ खेलोगे कि नहीं? एक चंदा मामा छत के ऊपर है और एक ही मेरा मामा छत के नीचे भी आ गया है। कितना प्यारा है दीदी। हम पर जो गया है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, उठो 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 उठो। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। जीजा जी, रिश्ते में आप मेरे जीजा जी, परंतु मेरे हृदय में आप मेरे गुरु हैं। आपको पता है जीजा जी,
इतनी दूर में अपने गांव से अपने एक आंख में अपने भांजे का मुख देखने की आशा लेकर आया, परंतु मेरे दूसरी आंख में आपके दर्शन की अभिलाषा ले आया हूं। जीजा जी मैं धन्य हो गया। गोविंद मेरे साले, तुम्हें अपनी आशाओं और अभिलाषाओं के चक्कर में इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। तो और कुछ उठाने को था ही नहीं ना जीजा जी, तो कष्ट उठा लिया। अच्छा अच्छा जीजा जी, वो सब बातें छोड़िए, आप वो हमेशा क्या कह देते, चिता समान क्या होती है? क्या होती है? चिंता। हाँ भाई, इसलिए तो मैं हूं ना जीजा जी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक मैं आपके सामने हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि चिंता का सामना मैं करूंगा। मैं अच्छा है? तुम्हारा सामना कौन करेगा है? सुनो जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आपको हमारे भाई के आने की कोई खुशी हुई है, परंतु हमें अपने पुत्र के मामा के आने की बहुत खुशी हुई है। शारदा महोदया, साले को देखकर किस जीजा को खुशी नहीं होती है ना जीजा जी? ऐसे ही जीजा जी को भी मुझे देखकर इतनी खुशी हुई है ना दीदी, इतनी खुशी हुई है। यदि वो आपको बताएंगे ना तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। नहीं होगा क्यों जीजा जी? हाँ जीजा जी, जीजा जी आप ही तो मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य और इतिहास साक्षी है जीजा जी कि शिष्य गुरु को अक्सर पीछे छोड़ देता है, परंतु जीजा जी मैं आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ जीजा जी, आपके जैसा। अब गोविंद जब तक तुम मुझ जैसे बनोगे तब तक मुझे क्या बना दोगे पता नहीं। वो तो तब पता चलेगा जब मैं आपके पच्चीनों पर चलूंगा ना जीजा जी, और तुम्हारे चलते मैं कितनी बार गिरूंगा। चलने से याद आया जीजा जी, हाँ। देखिए मैं चलते चलते आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, देखिए। और इस भेंट के साथ मैं आपको गुरु दक्षिणा देना आरंभ करता हूँ, और आगे भी देता रहूंगा। अरे ये क्या उठा लाया पगले? जीजा जी आपको मीठा शहद बहुत पसंद है ना? शहद तो मीठा ही होता है, इसलिए तो मिठाई लाया हो जीजा जी। मैं आपकी एक भी बात नहीं भूलता जीजा जी, याद है मुझे आपने कहा था कि यदि मनुष्य को दूध पीने की इच्छा हो तो उसे अपने घर में एक गाय माता को पालना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, फिर घर में कभी दूध की कमी नहीं होगी, कहा था कि नहीं? कहा था किंतु गोविंद इस बात का शहद से क्या संबंध? संबंध तो मटके में बंद है जीजा जी, खोलेंगे तो पता चलेगा, खोलिए ना जीजा जी। अरे नहीं नहीं तुम ही खोलो। अब जीजा जी भेंट आपकी, आप ही खोलेंगे ना? बापू ये मत खोलना, क्योंकि इनकी कोई भी बात सुनना समझदारी को अनसुनी करना सिद्ध हो सकता है। खुली खुली खुली। खुली खुली जीजा जी,